शौहर बीवी का रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है, हम जिंस है, इंसान है, तो इस रिश्ते में इंसान होना शर्त है, हम जिंस होना। कोई जानवर और कोई इंसान मियां बीवी नहीं होते, कोई जानवर और इंसान भाई भाई नहीं होते, बाप बेटा नहीं होते, माँ बेटा नहीं होते। तो इस रिश्ते में हम जिंस शर्त है, ये एक कैटेगरी आ गई। दूसरी कैटेगरी में हम जिंस होना शर्त नहीं होता, रिश्ता कायम हो जाता, ताल्लुक कायम होता है, जैसा कि इंसान और जानवर। इंसान जब जानवर को खरीद लेता है तो जानवर उसकी मिल्क में आ जाता है, तो इंसान मालिक हो जाता है और जानवर क्या होता है, उसकी मिल्क हो जाता है, ममलुक हो जाता है। तो यहां पर हम जिंस होना शर्त नहीं है, एक रिश्ते में हम जिंस होना शर्त है, एक रिश्ते में हम जिंस होना शर्त नहीं है। तो इसी तरह से इंसान जिसी से भी ताल्लुक कायम करता है, रिश्ता कायम करता है, तो एक हमजिंस होता है, एक हमजिंस होने की शर्त नहीं होती। अब बंदे का ताल्लुक, बंदे का रिश्ता रब से कैसा हो? यहां पर औरत से निकाह कर लिया तो बीवी हो गई, इंसान है बीवी हो गई, मगर दुनिया की सारी औरतें उसकी बीवी नहीं होती। इसका एक वालिद है, पैदा हुआ उससे, तो एक मर्द है, इंसान है, तो इसका वालिद है, सारे दुनिया के मर्द इसके वालिद नहीं है। एक रिश्ता, एक हमजिंस होना शर्त है, रिश्ता कायम हो जाता है, निकाह से मियां बीवी का होता है, पैदा होने के बाद बाप का बेटे का रिश्ता कायम हो जाता है, और उसी की औलाद है तो भाई भाई का रिश्ता कायम हो जाता है। अगर जानवर को खरीदे उसकी मिल्क में है तो वो उसकी मिल्क बन गई, एक बकरी लेके आए वो बकरी इसकी मिल्क बन गई, मगर सारे बकरियां इसकी मिल्क नहीं हो सकती, तो एक रिश्ता कायम हो रहा है। तो मगर यहां पर देखे, हम दुनिया के रिश्तों को समझते भी है, निभाते भी है, जैसा ही रिश्ता कायम होता है उसके हकूक आ जाते हैं। बकरी लेके आए तो हकूक कायम हो जाते हैं कि बकरी का खाना पीना मालिक की जिम्मेदारी में आ जाते हैं। कुर्बानी के लिए जानवर लेके आते हैं, वो जानवर खरीद में होता है, रोड पे होता है, खरीदा नहीं जाता, तो वो क्या खा रहा है क्या पी रहा है किसी को परवाह नहीं है, बाजू घर होता है, वो कोई फिक्र नहीं करता। मगर जब वही जगह से जब बकरा लेकर आता है, बकरी लेके आता है, अब इसको जिम्मेदारी का एहसास शुरू हो जाता है, घास का शुरू हो जाता है, पानी का शुरू हो जाता है, मिल्क के अंदर आया, रिश्ता कायम हुआ, खरीदा रिश्ता कायम हुआ, रिश्ता कायम होते हुकूक शुरू हो जाते हैं, जिम्मेदारियां शुरू हो जाती है। तो अब देखिए, मियां बीवी के हुकूक कायम हो गए, बाप बेटे के कायम हो गए, जानवरों से भी कायम हो गए, मगर बंदे को रब का रिश्ता ही नहीं पता, हुकूक ही नहीं पता, बंदे को अपने रब का रिश्ता नहीं पता कि रब से रिश्ता कैसा कायम होता है, रब के क्या हुकूक है अपने रब के। अब रब से रिश्ता कायम होने की चीज क्या है? रब से रिश्ता कायम होने की चीज एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो बंदा रब से रिश्ता कायम करना चाहता है तो जबान से इकरार करना है, दिल से तस्दीक करना है। जब ये दो काम कर लेगा इस कलीमे के ऊपर, तो उसका रिश्ता रब से जुड़ जाएगा। जिसका रब से जुड़े हुआ ही नहीं है तो रब की फरमाबरदारी की बात ही नहीं है। रिश्ता होने के बाद हुकूक शुरू होते हैं। नमाज काफिर पे फर्ज नहीं है, तो भी नमाज काफिर पे फर्ज क्यों है? इसलिए नहीं है कि उसका रिश्ता रब से कायम हो ही नहीं। हम मुसलमान हैं, मुसलमान पे नमाज फर्ज है, क्योंकि अब हमने रब से रिश्ता कायम कर लिया, तो हुकूक शुरू हो गए। क्या हुकूक शुरू हो गए? सबसे पहले रिश्ता कायम होते अल्लाह ताला की हुकूक शुरू हो गए, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी। अल्लाह ताला की फरमाबरदारी क्या है? अल्लाह ताला की फरमाबरदारी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना और आपकी गुलामी करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा करना, आपकी गुलामी करना, आपकी ताजीम करना, आपका अदब करना, आपका एहतमाम करना। बंदे का अल्लाह ताला का फरमाबरदारी क्या है? अल्लाह ताला की फरमाबरदारी कोई सेपरेट नहीं है। नबी पर ईमान लाना, अल्लाह पर ईमान लाते हुकूक क्या काम आए? नबी पर ईमान लाना, नबी पर ईमान लाए और नबी की गुलामी में आ जाओ, रिश्ता कायम हुआ। तो बात क्या है, हम सारे रिश्तों को समझ रहे होते हैं, मगर जो रिश्ता अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह से कायम करना है, उसके बारे में पता ही नहीं है। अल्लाह से रिश्ता कायम करने का एक ही जरिया है, कलीमे तैयब, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और यह रिश्ता कैसा कायम होना है? जबान से इकरार करना है, दिल से तस्दीक करना। अब मुसलमान की फी जमाना हालत ये, सिर्फ जबान से इकरार कर ली। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, सिर्फ जबान से कलीमा पढ़ना मुनाफिकों का कलीमा है, अल्लाह ताला इससे महफूज रखे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सिर्फ जबान से इकरार करना ये मुनाफिकों का कलीमा है, मोमिन का कलीमा ये जबान से जो इकरार करा दिल से तस्दीक कर, मोमिन का कलीमा। आप इसकी मिसाल देते हैं इमाम गजाली समझाने के लिए। एक होता है मगज का मगज,
मक्स का मक्स बादम की मिसाल लेते हैं। बादम का जो मक्स का मक्स कहते हैं उसको तेल, जो आखिरी जो प्रोडक्ट होता है, जो आखिरी फिनिश प्रोडक्ट बादम से निकलता है वो क्या है, बादम का तेल। उससे पहले क्या प्रोडक्ट है, बादम। बादम के ऊपर एक कवर होता है, उसका छिलका कहते हैं, वो ब्राउन कलर का होता है, बादम से चिपका हुआ होता है। जब बादम सूखा होता है उसको निकाल भी नहीं सकते, बादम को जब उबालेंगे आप तो उबालने के बाद वो छिलका आराम से निकाल सकते हैं। तो वो जब निकलता है अंदर, वो बादम क्या कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो वो मग्स है असल, जो व्हाइट कलर का है। तो असल मग्स क्या है, वो व्हाइट कलर का जो बादम है वो मग्स है। मग्स का मग्स क्या निकला, तेल निकला। तो पहले मग्स का मग्स मतलब बादम का तेल, मग्स क्या है, वो व्हाइट कलर का जो बादम है, बादम के ऊपर जो छिलका है वो बादम का छिलका है। अब उसके ऊपर और एक छिलका है जो मोटा होता है, शादियों में उछालते हैं ना, उसको फोड़ के खाते हैं, जो मोटा होता है, बहुत ब्राउन कलर का होता है, लाइट ब्राउन कलर का होता है, तो वो सख्त होता है, उसके अंदर बादम होते हैं। मतलब बादम के ऊपर पहले छिलका होता है, फिर बादम होता है, फिर उसका तेल होता है। मगर ये पूरों का लिंक है, छिलका बादम से अलहदा हो जाए कचरा है, फिर अंदर जो छिलका है अगर वो भी बादम से अलहदा हो जाए वो भी कचरा है। वो बादम क्या है, उसका मग्ज है और उससे तेल निकलता है। मगर बादम जो कवर है उससे अलहदा हो जाए तो बादम फना हो जाएगा। छिलका बादम के बगैर कचरा, बादम छिलके के बगैर फना, दोनों की पूरा लिंक है। तो बादम को अगर बखा होना है, बादम बनना है, तो छिलके के अंदर रहना पड़ेगा उसको, दोनों छिलकों के अंदर रहना पड़ेगा। अब इसकी तशरीह करते हैं कि जो जिस्म से हम इबादत कर रहे हैं, जो जबान से इकरार कर रहे हैं, वो छिलके का छिलका है, जरूरी है। जो हमारे दिल में तस्दीक है वो बादम का छिलका है जो लपटा हुआ है। जो हम जो तस्दीक करें, वो जो मुशाहदा करते हैं, वो अजल मकसद। जबान से जो इकरार किया है वो बादम का कवर है जो सख्त होता है ऊपर, और दिल में जो तस्दीक हुई, जो बादम से लपटे हुआ छिलका है, और जो 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 तस्दीक हुई है अगर उसको देख लिया तो असल मक्स वो है, और वो मक्स से तेल बनता है, वो तौहीद है। तो अब इसकी मिसाल दे रहे हैं, तो अब ये देख लें, आपने क्या कहा, सिर्फ जबान से इकरार करना मुनाफिकों का कलीमा है। अब इसको समझा रहे हैं डिटेल्स, एक मिसाल और देते हैं। जब बंदा बीमार हो जाता है, बहुत बीमार हो गया, उसके बाद उसको शिफा होना शुरू हो गई, एक बंदा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, अपेंडिक्स हो गया, पेट का ऑपरेशन हुआ, अब डॉक्टरों ने इलाज किया, डिस्चार्ज हो गया। अब जब डिस्चार्ज होकर जब घर आता है तो कैसा होता है, कमजोर, वीकनेस होती है उसको, बहुत वीकनेस होती है। अब वो बंदा जिसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, वो नेक्स्ट डे बॉडी बिल्डिंग जाके जिम शुरू नहीं कर सकता, ग्राउंड में जाके क्रिकेट प्ले नहीं कर सकता, और होटल में जाके दो गोश्ता बिरयानी खा नहीं सकता, क्योंकि अब उसका परहेज है। अब उसका क्या है, पर शिफा हो गई उसको, डॉक्टर ने कहा कि अब हिज ओके, घर जा सकता है, मगर परहेज है, दवा कंटिन्यू करना है। जब परहेज और दवा कंटिन्यू करता है एक पर्टिकुलर टाइम तक, अब उसके बाद बंदा रेडी होता है जिम के लिए भी, क्रिकेट के लिए भी, दो गोश्ता तीन गोश्ता बिरयानी खाने के लिए भी रेडी होता है। अब उसकी मिसाल देके कहते हैं कि हम जो है ना, हमारे अंदर दिल में कुफ्र है, शिर्क है, निफाक है। जब सालेहीन की सोबत में बैठते हैं, कलीमे को सीखते हैं, तो यह बड़ी बीमारी है कुफ्र और शिर्क और निफाक। अब यह जब बड़ी बीमारी से बंदा निकलता है, जब ईमान दाखिल होता है, दिल तस्दीक करने लगता है कि ईमान दाखिल हो गया, अब बीमारी से शिफा पाया, मगर कमजोरी है। ये जो कुफ्र है, शिर्क है, निफाक है, बड़ी बीमारी है। जब सालेहीन की सोबत में बैठता है, ला इलाहा इल्लल्लाह की तालीम लेता है, और ला इलाहा के इल्म से जब तस्दीक बैठती है, तो अब बीमारी दूर हो गई है, मगर कमजोरी बाकी है। अगर दुनियादारों के पास जाएगा तो बदपरहेजी हो जाएगी, फिर कुफ्र आ जाएगा, फिर शिर्क आ जाएगा, फिर निफाक आ जाएगा। अब उसको क्या करना पड़ेगा, अब कमजोरी है तो ईमान को ताजा करते रहना पड़ेगा, सालेहीन की सोबत कंटिन्यू करनी पड़ेगी। जब ईमान ताजा करते रहेगा, ईमान की तस्जीद करते रहेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इसके अंदर ताकत आ जाएगी, तो दुनिया और शैतान से लड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी। अब उसके ईमान को कोई हिला नहीं सकता, उसको अमल से कोई हिला नहीं सकता। तो पहले
पहले क्या है, अपने कुफर का, शिर्क का, निफाक का इलाज कराना है। इलाज होने के बाद कमजोरी होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी है। जब कमजोरी होगी तो क्या करना है, ईमान की तस्दीक करते रहना है, परहेज करना है, दुनियादारों से मिलना नहीं, दुनियादारों से, शैतान वालों से नहीं मिलना है। फिर किससे मिलना है, सालेहीन की सोबत रहना है, उनकी तालीमात को देखना है, अमल करते रहना है, जब तक के ईमान मजबूत नहीं हो जाता। ईमान जब मजबूत हो जाए, ईमान मजबूत कैसा होता है, ईमान मजबूत होता है ला इलाहा इल्लल्लाह से। तो ईमान आता भी ला इलाहा इल्लल्लाह से, ला इलाहा इल्लल्लाह भूल गए तो ईमान चला जाता है। ला इलाहा की तस्दीक से ईमान आता है, ला इलाहा को भूलने से ईमान चला जाता है। तो ईमान की तस्दीक करते रहते तो सारी चीजें आती है। अब पहली बात क्या हो रही थी, रिश्ते की बात। जब बंदा अल्लाह ताला से रिश्ता कायम कर लेता है तो बंदा दीन पे चलने लगता है। जब बंदा अल्लाह ताला से रिश्ता कैसा कायम हो रहा, नहीं है कोई हाजित रवा सिवा अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मेरी जरूरत को पूरी नहीं करेगा, अल्लाह ताला के सिवा कोई मेरी हाजितों को पूरी नहीं करेगा, अल्लाह ताला के सिवा मुझे कोई मेरी चीजों को पूरा नहीं करेगा, ये कलीमे पे ईमान ला लिया, कोई हाजित रवा नहीं है। अगर बंदा दुनिया को हाजित रवा समझा दिल से, नौकरी को, बिजनेस को, लोगों को, अब दुनिया की तस्दीक हो गई, अब दुनिया की तस्दीक हो गई तो बंदा किधर जाएगा, दुनिया की तरफ जाएगा। जब बंदा अल्लाह ताला की तस्दीक करेगा, कलीमे तैयब की तस्दीक करेगा, तो बंदा किधर जाएगा, दीन की तरफ जाएगा। तो दीन की तरफ जाने का मतलब क्या है, ला इलाहा की तस्दीक हो गई तो दीन की तरफ जाएगा, अगर दुनिया की तस्दीक हो गई, दुनिया हाजित रवा है, तो किधर जाएगा, दुनिया की तरफ जाएगा। अब दुनिया और दीन यही है, एक ही जगह पर है। अब मिसाल ऐसी है कि औलाद है, माँ बाप है, माँ बाप की फरमा बरदारी करना दीन है, माँ बाप की नाफरमानी करना दुनिया है। वही है, एक ही बात पे दोनों चीजें निकलती है, रस्ते अलग अलग हो जाते हैं इमीडिएटली। अब दुनिया क्या है, हुजूर गौसुस सखलेन रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, दुनिया आफतों और मुसीबतों और गमों का घर है। दुनिया क्या है, आफतों, मुसीबतों और गमों का घर है। अब फी जमाना हर घर में मुसीबत, आफत और गम नजर आती है। मुसीबत, आफत और गम क्यों नजर आती है, हुजूर गौसुस सखलेन रज़ियल्लाहु तआला ने इरशाद फरमाया, ये दुनिया इसका घर है। जब बंदा इधर जाएगा तो ये मुसीबतें, आफतें पड़ जाएगा। औली अल्लाह कहते हैं काफिर अजाब में है अभी भी दुनिया में, मगर उनको अजाब महसूस नहीं हो रहा। क्यों महसूस नहीं हो रहा है, जब बंदे का कोई ऑपरेशन होता है तो उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो जब उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है तो क्या होता है, उसको काटते हैं, चीरते हैं, तो उसे कुछ महसूस नहीं होता। उन देख रहा होता है कि मेरे को काटे, दांत निकाल रहे हैं, सारी चीजें देख रहा होता है, उसको जो है ना दे दिए इंजेक्शन, अब सारा काम चल रहा होता है, उसको महसूस नहीं होता। इसी तरह से काफिर, मुशरिक और मुनाफिक मदहोश है दुनिया की लज्जतों में, उन्हें महसूस नहीं हो रहा। जब उनको होश आएगा, जब उनका मौत का वक्त करीब आएगा, जब मौत आएगी होश आ जाएगा, जब होश आएगा, जब चिल्लाएगा कोई फायदा नहीं। तो आप कहते हो औली अल्लाह कहते हैं काफिर, मुनाफिक, मुशरिकीन अजाब में मुब्तला है, मगर क्या है, मदहोश है, उन्हें पता नहीं चला, मदहोश है, इंजेक्शन लगे हुआ है, पता नहीं चला। होश कब आएगा, जब मौत आएगी तो क्या होगा, होश आएगा। तो बात क्या चल रही थी, दुनिया में क्या है, आफतें हैं, मुसीबतें हैं और गम। अब माँ बाप की नाफरमानी करा, जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा, पूरे वईदें आ गई अल्लाह अल्लाह के रसूल की। जब बंदा अपने माँ बाप को पाया और बख्शिश नहीं किया तो नबी करीम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या करें, बर्बाद हो जाए वो शख्स। नबी करीम हजरत जिब्राइल सलाम क्या बदुआ कर रहे हैं इसके लिए, वो शख्स बर्बाद हो जाए जो माँ बाप को पाए और अपनी मग़फ़िरत ना करे। नबी करीम सल्लम क्या फरमा रहे, आमीन। जिस शख्स के लिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बदुआ करे और जिस शख्स के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन बोले, वो तो हलाक है दुनिया और आखिरत में। अब उन समझ रहा, मैं तो अच्छा हूं, ये हूं, मदहोश है, इंजेक्शन लग गया। अब यहां पर भी लगेगा, अजाब में मुब्तला है, यहां पर भी होश आ सकता है, वहां पर भी होश आ सकता है, मदहोश है, समझ नहीं आ रही है बात उसको। इसी तरह से बीवी शौहर की नाफरमानी कर रही है, शौहर की अगर फरमाबरदारी करे तो दीन है, शौहर की नाफरमानी करे तो क्या बन गया, दुनिया बन गया। एक ही चीज है, यह करे तो दीन है, यह करे तो दुनिया है। दीन कब करेगा बंदा, जब ये तस्दीक हो जाएगी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब ये हो जाएगी हर काम बंदा दीन के तहत करेगा। जब ये तस्दीक हो जाएगी कि दुनिया मेरी हाजित रवा है, पैसों को देखेंगे,
नौकरी को देखेंगे, बिजनेस को देखेंगे, दुनिया को देखेंगे कि दुनिया से हमारी जरूरतें पूरी हो रही है, तो क्या करेगा बंदा? ये नाफरमानियां शुरू कर देगा। तो क्या दो मिसालें समझ में आई कि माँ बाप की मिसाल है और बीवी शोहर की मिसाल है। अब दूसरों की मिसाल भी ले लें कि बंदा होगा, बंदा क्या करेगा? अपनी बीवी का हक अदा करेगा, अपने बच्चों का हक अदा नहीं अदा करेगा। बीवी बच्चों को छोड़ के दूसरों की तरफ अच्छे दिखने के लिए उनको उनको नहीं देगा। अगर ये तस्दीक कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्दीक कर लिया, जो बीवी का हक बनता है, जो बच्चों का हक बनता है, वो अदा करेगा। अगर ला इलाहा की तस्दीक नहीं हुई है, दुनिया की तस्दीक हुई है, लोगों को अच्छे दिखने के लिए वो देगा, तो अजाब क्या होगा? अजाब ये होगा जिसके पीछे भाग रहा था, जब तक ये कमा रहा होगा, जब तक इसकी अच्छी चीजें चल रही होगी, उसको इज्जत देंगे, जब ये थोड़ा डाउन होगा, इसकी सेहत जाएगी, पैसा जाएगा, पोजीशन जाएगी, लात मारेंगे। अब आ गया अजाब से, यहीं पर अजाब में मुब्तला। तो दुनिया क्या है? मुसीबतों, आफतों और गमों का घर है। दीन क्या है? दीन में राहत है और सुकून है। अब देखें कि हमारे घर में मुसीबतें राहतें हैं, तो हम देखें हमारी तस्दीक किधर है। ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्दीक है तो फिर दीन पे चल रहे हैं। ये देखें, जायजा लें अपने दिल में, जबान से इकरार हो गया, दिल में तस्दीक होना। जो दिल में तस्दीक होने के बाद क्या होना? जो तस्दीक हुई है उसका मुशाहदा होना, उसको देखना भी है। तो देखेंगे तो वो मकसद, असल मकसद क्या है वो है, असल मकसद क्या है वो है। अल्लाह ताला को मतलूब वो मकसद है कि वो मकसद चाहिए। अब उसके आगे मकसद का तेल, वो आगे की बात है, मगर हमें यहां तक मकसद तक हासिल करना है। आगे की बात क्या है? वो दर्जात है, वो पाए नहीं पाए आगे की बात है, मगर यहां तक हासिल करना हम पर फर्ज है। अगर ये नहीं कहें तो क्या होगा? जबान से इकरार है, दिल में कुछ भी नहीं। तो क्या है मुनाफिकों के? जबान से एक, दिल से एक। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि मेरे नबी जो तुम्हें दें वो ले लो, और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। अब इस पे देखें सहाबा का क्या अमल था। अल्लाह की फरमानदारी क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी करना। जो नबी अता करें ले लेना, जो नबी मना करें रुक जाना। एक सहाबी रसूल है, ये गसीले मलाइका हंजला रज़ी अल्लाह तआला का किस्सा नहीं है, दूसरे सहाबी का किस्सा है। सहाबी रसूल की हालत ये थी कि उनका चेहरा इतना ब्लैक था और इतने अल्लाह तआला ने उनको बदसूरत बनाया था कि औरत तो औरतें हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, मर्द भी देख के डर जाते हैं उनको। अल्लाह तआला ने उनका चेहरा ऐसा बनाया था। अब उसकी हालत में वो गरीब भी हैं, चेहरा भी ऐसा है कि औरतें बच्चे तो छोड़ो, मर्द देख के भी खौफ खा जाए, और गरीबी भी साथ में। अब जवान हो गए, निकाह पहले सुन्नत भी होता है, वाजिब भी होता है, फ़र्ज भी होता है। अब निकाह इन पे फ़र्ज हो गया। फ़र्ज वो होता है कि अगर निकाह ना करे तो जिना हो जाएगा। अब बिल्कुल आखिरी स्टेज पे, तो आखिरी स्टेज निकाह फ़र्ज हो गया, मगर सूरत ऐसी है कि कोई बची देगा नहीं, हालात ऐसे हैं, जेब ऐसी है कि कोई पैसा नहीं है। अब शादी कैसे होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँच गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझ पे निकाह फ़र्ज हो गया है, मगर कोई निकाह का सबब नहीं बन रहा है, मेरी चेहरा ऐसा है और मेरे पास माल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराया और आपने कहा कि तुम फलां सहाबी के पास जाओ, मेरा पैगाम कहो और कहो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और आपकी बच्ची से मेरा रिश्ता कर दिया। अब वो सहाबी कौन है? वो सहाबी सरदार थे पहले, और सरदार थे, ईमान ला लिए, तो जमाने में सरदार तो सरदारी तो रहेगी ना, ईमान तो ला लिया उन्होंने, सरदार है, मालदार है, और उनकी बच्ची के चर्चे सारे अरब में, सबसे खूबसूरत बच्ची है, सारे बच्चे और रिश्ते आ रहे हैं और ठुकरा दे रहे उन्होंने। अब वो सहाबी की बच्ची का रिश्ता नबी करीम से तय करके इनको भेज दिए। अब वहां पर पहुंचे, सब देखे सहाबी है, अब इज्जत देके बुलाए, भाई कैसा आना हुआ है? अब बड़ी हैबत है इनको, ये जलाल, बड़े दबदबे वाले, बड़े पहुंची हुई शख्सियत है, और मैं निकाह का बोले कि पहले तो निकाह नहीं हो रहा था, अब तो जान जाने की बात आ गई, पहले तो निकाह की बात थी, अब तो जान की बात आ गई। अब पहुंचे, मगर नबी का हुक्म है, अब इनकार भी नहीं कर सकता। अब उन्होंने चलो जो हुक्म मिला वो पूरा करो, बोले कि मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है कि मेरा रिश्ता आपकी लड़की से तय हो गया। अब उठ के खड़े हो गए जलाल, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिए बोल के कुछ नहीं बोल रहे, अब इधर से उधर टहर रहे हैं, इधर से उधर टहर रहे हैं, अब मुंह पे पेश जारी है, अब कुछ बोल नहीं सक रहे, लाल लाल हो गए। कितनी की देर के बाद टहलने के बाद बोले कि तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, बच गए, वरना ये तलवार काम में आ जाती, चले जाओ यहां से।
जैसा ही बोले बोले जान बची भागो। उन्होंने बोले अच्छा जान तो बच गई ना, निकल गए वहां से, अब नबी का हुक्म भी पूरा हो गया। अंदर गए तो बेटी जो है ना पूरा सुन रही थी, बाबा जान क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है? बोले कि वो शख्स आया और तुम्हारे रिश्ते के लिए आया। बोले उनको किसने भेजा? उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। तो बेटी फरमाती अब्बा जान आपने सुना नहीं अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जो नबी अता करे ले लो, जिससे मना करे रुक जाओ। बेटी कह रही है क्या ईमान है। देखिए जैसा ही ये आयत सुनाई आपका पूरा गुस्सा ठंडा हो गया, फौरी जो कुछ था घर में जायदाद सोना पैसा पोटली में बने, तेज रफ्तार घोड़े से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उस सहाबी से पहले पहुंच गए। पहुंच के कहते या रसूल अल्लाह रिश्ता कबूल है, मेरी तरफ से तौबा है, शादी की तैयारी शुरू करें। वो सहाबी आते देखे भागे फिर से, बोले रिश्ते की तैयारी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला ये लो रिश्ता हो गया है, ये सोना है ये पैसा है, तुम अपनी शादी की तैयारी करो, तुम्हारी गरीबी भी दूर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। वो सहाबी बड़े खुश हुए। जैसा ही बाजार आए शादी के कपड़े तैयारी वगैरह करने के लिए, जहाद का ऐलान हो गया, जहाद का ऐलान हो गया। अब बोले अब मैं जाऊंगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जहाद की इजाजत के लिए, अभी बोलेंगे तुम्हारा निकाह हुआ है तुम निकाह की तैयारी करो, इजाजत नहीं मिलेगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं जहाद में अकेला छोड़ दूं, आप क्या करें? वो पैसों से घोड़ा खरीदे, जीन खरीदे, तलवार खरीदे, जितना सामान चाहिए था वो सारा खरीद लिए, शादी की तैयारी अलग छोड़ दी, शादी की तैयारी। देखिए आप कैसा है, जो नबी दिए ले लो, जिससे मना करे रुक जाओ, कैसा अमल हो रहा सहाबा का। अब सहाबी रसूल सारी चीजें करिए, जहाद शुरू हो गया, अब दूर ठहरे हुए हैं सहाबा से दूर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर। जैसा ही जहाज शुरू हुआ नकाब बन के दुश्मनों से लड़ना शुरू करते, और इतनी बेदिली से लड़ रहे हैं, उनके अंदर घुस के उनकी सफ़ों को पलट रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये बंदा कौन है, नकाब के साथ हमारे तरफ से लड़ रहा है दुश्मनों के खिलाफ, उसको लेके आओ, नकाब पहन के लड़ना नहीं चाहिए। वो इतनी दिलेरी से दुश्मनों की सफ़ों में घुस के लड़ रहे थे, सहाबा इकराम उनके पास पहुंचे तक शहीद हो गए। तो शहीद हो गए, लेके आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, नकाब निकाले तो वो सहाबी रसूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि चलो इनकी तफ़ीन शुरू करते। अब तफ़ीन शुरू हो रही, तफ़ीन के लिए जनाजा लेके निकले। जब जनाजा लेके निकल रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठों के बल चल रहे हैं। सहाबा इकराम देख रहे हैं नबी करीम किसके बल चल रहे हैं, अंगूठों के बल चल रहे हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं खुद खबर में उतरूंगा इसकी, देखा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस खबर में उतरे और उनको लिटाया और मुस्कुरा रहे। फिर एकदम देख के जो ना चेहरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोड़ लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, जब किसी से नाराज होते तो चेहरा मोड़ लेते, चेहरा पलट लेते, नाराजगी कुछ नहीं दिखाते, क्या करते सिर्फ चेहरा पलट लेते। सहाबा इकराम ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा पलट लिए, क्या इनसे नाराज तो नहीं हो गए? अब वो अभी कुछ नहीं बोल सक रहे हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और जो है ना तफ़ीन हो गई, बाहर आ गए। फिर सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी सुन्नतें देखी है इस जनाजे में कि आप अंगूठों के बल चल रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये आसमान से इतने मलाइका आ गए थे मुझे चलने की जगह नहीं मिल रही थी, इतने मलाइका आ गए थे आसमान से जनाजे में मुझे चलने की जगह नहीं मिली तो अंगूठों के बल चल रहा था। अच्छा खबर में मैंने देखा कि इसके लिए जन्नत की हूरें लड़ रही है कि मेरा शोहर है मेरा शोहर है। तो एक जो है ना हूर का जो है ना पर्दा हट गया तो मैंने अपना चेहरा मुंह मोड़ लिया, इसकी बीवी है मैं क्यों देखूं। तो वो नाराजगी वाला नहीं था, वो पर्दे के लिए जो है ना आपने चेहरा। तो बात किया है कि देखें उस लड़की ने कुर्बानी दी, उस लड़की भी कामयाब हो गई, उनके वालिद ने कुर्बानी दी वो वालिद भी कामयाब हो गए, और ये सहाबी ने भी कुर्बानी दी है सहाबी भी कामयाब हो गए। तो जो अल्लाह के नबी का हुक्म मानता है किसी का नुकसान नहीं होता, किसी का नुकसान नहीं हुआ इस वाकिए में, सारे लोग कामयाब हो गए और सारे लोगों की मुराद पूरी हो गई। तो अल्लाह के नबी जो दें ले लो, जिससे मना करे रुक जाओ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उम्मत के सामने क्या पेश किया, सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के सामने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पेश किया। 13 साल तक इस पे काम होते रहा, 13 साल के बाद नमाज आई, 13 साल तक कोई अमल नहीं आया, कोई अहकाम नहीं आया, 13 साल तक तालीम किसकी चल रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये सीने में बैठ गया, इसका मुशाहदा हो गया, इसका मग़्ज़ बन गया, मग़्ज़ का मग़्ज़ बन गया, तब अमल कहां गया। अब हमें क्या है, अब हम पहले अमल तो करना है,
अमल छोड़ना नहीं है मगर अमल करते हुए अपने ईमान को दुरुस्त करना है। तो हुजूर गौसुल सखलैन रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं जो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म पे चलता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया ले लिए जिससे मना किया रुक गए तो आप फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके उसके दिल को मुनव्वर करवाते हैं, उसका दिल मुनव्वर हो जाता है और अपने दिल से देखने लगता है, अपने दिल से तक़वा हासिल करता है और अपने दिल से अल्लाह से मशवरा करता है, इल्हाम का मुंतजर होता है, इल्हाम का मुंतजर होता है, हर बात में अपने रब से मशवरा करता है क्योंकि ये बंदा देखने वाला होता है। इमाम मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इमाम मसनवी शरीफ में कि एक अंधा जो है ना सूरज को देख रहा, देख के बोल रहा ये तो ब्लैक है, अंधा है सूरज को देख रहा, सूरज किधर है, इधर है, हाँ उसको मुंडी करके दिखा, बोलता है ये तो ब्लैक है। तबन क्या बोलते, इसका अंधापन है, बोलते नहीं उसको, क्या बोलेंगे अब, अंधा है अच्छा नहीं दिखता, उसका दिल वो हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे हम उसको, सूरज ब्लैक नहीं है इन अंधा है, इसका अंधापन इसको नजर आ रहा है, असल सूरज सारी दुनिया में रोशन है। इसी तरह से अल्लाह ताला की रुबूबियत सारे दुनिया में रोशन है, हमें नजर नहीं आ रही तो हम अंधे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत सारी दुनिया में मशहूर है क्योंकि कलीमे में क्या ईमान लिया जा रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है कहा जा रहा है, थे नहीं कहा जा रहा। कलीमे में क्या ईमान है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे आलमीन के लिए क्या है, रहमत है, थे नहीं, रहमत भी है रसूल भी है, तो हमें नजर नहीं आ रही, अंधा है। अब अंधापन से रिसालत तो नहीं खत्म हो सकती, अंधेपन से रुबूबियत तो नहीं खत्म हो सकती, तो इसका अंधापन दूर करना, अंधापन क्या है, इसका खल्ब जो है ना ब्लैक हो गए, वो कैसा निकलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तकदीर का जो लिखा है अल्लाह की मर्जी से हासिल करना है, जो तकदीर का है, तकदीर में हमारे जो है हमें नहीं पता मगर हमने क्या करना है, अल्लाह की मर्जी से नौकरी करना है, अल्लाह की मर्जी से बिजनेस करना है, अल्लाह की मर्जी, ज़िराअत करना है, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी से जो मिल गया उससे राजी रहना, काम करना है, मर्जी किसकी लेना है, अल्लाह की मर्जी से काम करना है, नौकरी बिजनेस ज़िराअत जब अल्लाह की मर्जी से काम करना है और जो मिल गया क्या करना है, ले लेना है। आप फरमाते हैं तू तकदीर में तब्दीली चाहता है, हुजूर गौसुल सखलैन रज़ियल्लाहु तआला का शब्द, हम क्या है तकदीर में क्या चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं कि मैं ऐसा ऐसा होना मेरे मामूलात। आप फरमाते हैं क्या तू माबूद बनना चाहता है, क्या तू ये चाहता है कि अल्लाह ताला तेरी फरमा बरदारी करे, क्या तू माबूद बनना चाहता है, माबूद अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला को पता है तुझे क्या चाहिए, माबूद के माने हाजित रवा, हाजित रवा को पता है तुझे क्या चाहिए, हाजित रवा ने तेरे बारे में ये लिख दिया और तू कह रहा है कि ये सही नहीं है, मुझे ऐसा होना, ये गलत है, तो क्या तू दूसरा माबूद बनना चाहता है, क्या तू ये चाहता है कि अल्लाह ताला तेरी फरमाबरदारी करे। तो तकदीर में तब्दील, दुआ अलग चीज है, दुआ अलग चीज है, तकदीर में तब्दीली क्या है, शिकायत है, जिस हाल में अल्लाह रखे वो हाल पसंद नहीं है उसको, इसके लिए जो बेहतर हाल है वो हाल दिए। हर किसी का एक हाल होता है, हर किसी का एक मामला होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जो फ्रिज बना रहा है उसके स्पेक्स अलग होते हैं, उसको रखने की जगह अलग होती है, जो गोल्ड बनाता है गोल्ड के स्पेक्स अलग होते हैं, गोल्ड की रखने की जगह अलग होती है। अब फ्रिज बोले मेरे को भी तिजोरी में रखो, अब फ्रिज को किचन में रखा जाता है, वॉशिंग मशीन को हम कहां रखते हैं, वॉशिंग मशीन बाथरूम में रखने की जगह है, अब वो बोले वो तो गोल्ड है वो तो तिजोरी में रह रहा है मैं भी जाके उधर रहता हूं, हमारी स्पेक्स अलग है उसकी स्पेक्स अलग है, उसके रखने की जगह और है इसकी रखने की जगह और है। चप्पल किधर होती है, चप्पल 200 रुपए की चप्पल है कहां रखते हैं, इधर लेके आते हैं चप्पल बाहर। टोपी कितने की है, 5 दिरहम में मिलती, दुबई में 5 दिरहम की टोपी होती, कहां रहती है, टोपी सर पे रहती है भाई, वो 200 रुपए की है मैं सर पे रख लेता हूं, 200 रुपए की हो 1000 रुपए की हो 1000 दिरहम की हो वो बाहर ही रहेगी, वो उधर ही रहेगी, टोपी 2 दिरहम की हो या 1 दिरहम की हो या 5 दिरहम की हो किधर रहेगी, सर पे रहेगी। तरीका है इसका, तो हम क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला को, हम बता रहे हैं ये तो 200 दिरहम की है सर पे होनी चाहिए, तो क्या बोलना, हम दूसरे माबूद बनने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे माबूद बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिये फिरौन ने कहा था कि मैं भी खुदा हूं, अना रब्बुकुम आला कहा था, मैं सबसे बड़ा रब हूं मैं आला रब हूं। अब उसकी बात क्या हुई कि जब उसको फना करने की बात आई, मूसा अलैहिस्सलाम ने रात में अपनी उम्मत को लेके निकल गए,
मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को लेकर निकल गए दरिया नील के पास पहुँच के। जैसा ही दरिया नील के पास पहुँचे, फिरौन भी सुबह उठा, देखे ये लोग निकल गए, अपनी फ़ौज को जमा किया, इनका पीछा किया। अब पीछा किया, सुबह हो गई, फ़ौज भी करीब आ गई। अब उम्मत ने देखा कि भाई आगे दरिया है, सामने फिरौन का लश्कर, पूरे पलट गए किसके ऊपर, मूसा अलैहिस्सलाम, आपने तो हमें हलाक कर दिया, अब हम क्या करें। मूसा अलैहिस्सलाम, देखिए ये क्या है, हर बात पे नाराजगी, कोई मसला आया अल्लाह से शिकायत, अल्लाह के नबी से शिकायत, ये किसकी आदत है, ये यहूदियों की आदत है। मूसा अलैहिस्सलाम को तंग करना शुरू कर दिया, तो अल्लाह ताला से रुजू हुए, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ए मूसा दरिया नील पे आसा मारिए। दरिया नील पे आसा मारे, रस्ते बन गए। अब बनी इसराइल वो रस्तों से गुजर रहा है मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। अब फिरौन भी आ गया खरीब में, वो आधा रास्ता गुजर गया, फिरौन कह रहा कि हम भी जाते हैं। अब फिरौन का जो घोड़ा है वो जा नहीं रहा है, फिरौन का घोड़ा जा नहीं रहा है, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम घोड़ी लेके आ गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की जो घोड़ी थी, वो घोड़ी की जो है ना ख़दम जब ज़मीन पर पड़ते, जहाँ ज़मीन पर पड़ते सब्ज़ा उगते लगता, जहाँ ज़मीन पर ख़दम पड़ते क्या होता है, सब्ज़ा उगने लगता है। तो वो देख कर फिरौन का घोड़ा उस घोड़ी के पीछे गया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पार हो गई, वो बीच में आ गया, सारा वाकया पता है, दरिया मिल गया, फिरौन गर्क हो गया। सामरी मुनाफिक था, सामरी कौन था, मुनाफिक था। उसने क्या किया, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की घोड़ी के कदम जहां पड़ते थे, वो जो है ना मट्टी ले लिया, मट्टी लेके अपने पास रख लिया। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहेतीर पे गए, तो इसने क्या किया, फिरौन का जो सोना था, फिरौन के पास जो सोना था इसको मिला, वो सोने से बछड़ा बनाया, वो बछड़े के मुंह में ये मिट्टी डाल दिया। और ये मिट्टी इतनी मुबारक मिट्टी थी कि ये मिट्टी की ये करामत थी, ये मौजूदा था मिट्टी का, कि जब भी किसी बेजान पे गिरती तो जान पैदा हो जाती। ये हजरत जिब्राईल सलाम का जो है ना ये जो ना करामत थी, तो वो मिट्टी क्या करा इसने, बछड़े के मुंह में डाल दिया। बछड़े के मुंह में डालते बछड़े में जिंदगी आ गई, बछड़े को गोश पोश आ गया और बछड़े में से आवाज निकल रही, और लोगों को बोला ये तुम्हारा माबूद है, ये देखो जिंदा हो गया, आवाजें कर रहा है, ये तुम्हारा माबूद है। अब चंद लोगों ने इस बछड़े की पूजा शुरू कर दी। अब इसको जो है ना मौलाना नईमी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर नईमी वाकया पूरा बयान की करके बताते हैं कि वो मिट्टी बहुत मुबारक है, वो मिट्टी बहुत मुबारक है, उसमें बेजान चीज को रख दिया जाए तो बेजान चीज में क्या आ गई, जान आ जाए। मगर यह मुनाफिक के हाथ में गई, मुनाफिक था वो, सामरी, कलीमा पढ़ लिया था जबान से, दिल में तस्दीक नहीं थी, अल्लाह की तस्दीक भी नहीं थी, मूसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक भी नहीं थी, कौम को गुमराह करा, तो मुनाफिक था। तो अब क्या फरमाते हैं कि ये मिट्टी मुबारक है मगर हाथ किसकी आई, मुनाफिक के, और सोना किससे नस्बत करता था, फिरौन से, सोने की नस्बत फिरौन से, और ये मुनाफिक था। जब ये मुबारक मिट्टी भी इनके हाथ में आई तो इसकी वजह से लोग शिर्क करने लगे। आप फरमाते हैं अगर ये मिट्टी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आती तो मूसा अलैहिस्सलाम की बरकत से यही मिट्टी की वजह से सारे लोग तौहीद पे मजबूत हो जाते, उनके दिल में इरफान आ जाता। तो इसको समझाया कहते हैं कुरान हदीस भी पाक है, इनको सुनना है तो जो पाक लोग हैं उनसे सुनो। अगर ये कुरान हदीस पाक है इसका इनकार नहीं है, अगर ये मुनाफिक सुना दें तो बर्बाद हो जाओ। ये मुनाफिकों से सुनोगे तो क्या होगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ईमान आने वाला, ईमान क्या चला, चला जाएगा। दुनिया जो है ना, मौलाना नईम रहमतुल्लाह मसनवी शरीफ में इसकी मिसाल देते हैं, दुनिया भेड़ियों का जंगल है। आप फरमाते हैं दुनिया क्या है, भेड़ियों का जंगल है, इसमें जंगली भेड़िए रहते हैं। भेड़िए कौन है, शैतान और शैतानी लोग, ये भेड़िए, शैतान और शैतानी लोग ये भेड़ी है। अल्लाह ताला इंसानों को, इंसान की मिसाल क्या देते हैं, बकरियों की मिसाल। दुनिया भेड़ियों का जंगल है और भेड़िए कौन है, शैतान और शैतानी लोग, शैतान के नक्शे कदम पे चलने वाले लोग, और इंसान कौन है, बकरियां। अल्लाह ताला इंसानों की हिफाजत के लिए अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजते हैं। अल्लाह ताला इंसानों की हिफाजत के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजे, हत्ता के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हमारे पास मबूस फरमाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बकरियों की हिफाजत फरमाते हैं, किससे, भेड़ियों से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिफाजत फरमाने का तरीका क्या है कि आपने एक हलका बनाया, एक हलका, एक हलका मतलब एक खिला बोले, एक घर बोले, एक जगह बोले, हलका बनाया। उस हलके की बुनियाद फरमाते हैं तौहीद है,
اس حلقے کی دیواریں اور چھت اعمال صالح. حلقے کی بنیاد کی مثال کیا ہے؟ توحید ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور حلقے کی دیواریں اور چھت کیا ہے؟ اعمال صالح. جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں آ جائے گا بھیڑیوں سے محفوظ ہو جائے گا. کسی بات ہے؟ جو بندہ اس حلقے میں آ جائے گا, کیونکہ حلقہ بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے. اور دیواریں چھت کیا ہے؟ اعمال صالح. اعمال صالح بنیاد دیواریں ہیں اور چھت ہے, اور حفاظت کون کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جس حلقے میں آ جائے گا, یہ حلقے میں آ جائے گا, جو شخص, جو بکری اس حلقے میں آ جائے گی, یعنی جو انسان اس حلقے میں آ جائے گا وہ بھیڑیوں سے محفوظ, جو اس کے باہر گیا وہ بھیڑیوں کا شکار. تب دیکھیے ایمان اور عمل صالح اس حلقے کی بنیاد ہے. تو ہم پہلے کیا لے کے آنا ہے؟ ایمان لے کے آنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ عمل صالح کرنا ہے. عمل صالح. آپ اور فرماتے ہیں انسان ایک بزنس مین ہے, تاجر کی طرح. اب اس کا بزنس کیا ہے؟ یہ کیا بیچتا ہے؟ اپنا جسم, اپنا قلب اور اپنا روح. اگر اس کا جسم سنتوں کے تحت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتا ہے, اور اس کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ قائم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتا ہے, اگر اس کی روح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ قائم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو خرید لیتے ہیں. دیکھیں بڑی بات ہے. کیا فرماتے ہیں؟ انسان بزنس مین. اب اس کا کیا, اس کا سامان کیا ہے؟ اس کا جسم, اس کا قلب اور اس کا روح. تو یہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور غلامی اس میں ہے تو اللہ اس کو خرید لیتے ہیں. اگر اس کے اندر دنیا کی چاہتیں, دنیا کی محبتیں, دنیا کی خواہشوں کی نزتیں ہیں تو شیطان اس کو خرید لیتا ہے. اللہ تعالیٰ خرید لے تو یہ دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. اگر شیطان اس کو خرید لے تب یہ دنیا میں بھی ہلاک ہے اور کیا ہے؟ آخرت میں بھی ہلاک. سمجھنے والی بات. صلو علی النبی, اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی صحابہ بارک وسلم. قرآن سے آگے بات بلاتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 204 سے 209 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص ایسا ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں اچھی معلوم ہوتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے. ایک شخص ایسا ہے جب گفتگو کرتا ہے, باتیں کرتا ہے, اس کی باتیں بڑی اچھی معلوم ہوتی ہیں اور اپنے دل کے معاملے پہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ یہ باتیں میری صحیح ہے, اللہ کی قسم کھاتا ہے, حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے. اللہ تعالیٰ کرے وہ جھگڑالو ہے, جھگڑنے والا ہے, فساد پیدا کرنے والا ہے. زبان میٹھی ہے, زبان پہ توحید کی بات کرتا ہے, اللہ کی قسم بھی کھا رہا ہے, دل بھی میرا ایسی ہے, مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جھگڑالو ہے وہ. آگے کہہ رہے جب وہ تمہارے پاس سے جاتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ سے نکلتا ہے تو لوگوں میں کیا کرتا ہے؟ لڑائی لگاتا ہے, فتنہ پھیلاتا ہے, کفر پھیلاتا ہے, اپنا نفاق پھیلاتا ہے, اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کرے. کھیتیوں کو برباد کرتا ہے, انسان اور حیوان کو, دونوں کو برباد کرتا ہے. حیوانوں کو, ایک منافق تھا اس کے اوپر شان نزول ہے, وہ منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے توحید کی بڑی باتیں کرتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بڑی باتیں کرتا اور قسمیں کھاتا, اور باہر جا کے لوگوں میں منافقت پھیلاتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, دین کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں بولتا اور لوگوں کے, جانوروں کے پیر کاٹتا, جانوروں کے پیر کاٹ کے لوگوں کو پریشان کرتا. تو انسانوں کا بھی دشمن تھا وہ, جانوروں کا بھی دشمن تھا. اب اس کی جو ہے نا مثال پہ جو ہے نا ایک بات واقعہ ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے صالح علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمیں معجزہ بتائیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا حکم دیا؟ کہ پتھر پہ اپنا آسا مارے, تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکلی. اونٹنی نکلتے ہی کیا کیا؟ اونٹنی نے بچا دیا. اونٹنی نکلی اور اونٹنی نے بچا دے دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بولا؟ یہ میری اونٹنی ہے, ناخت اللہ, یہ میری اونٹنی ہے, اور اس کے لیے حکم کیا دیا؟ ایک دن گیک پانی پیے گی, ایک دن ساری قوم کے لوگ دوسرے دن جانور پانی پیئیں گے, ایک دن پورا اس کے لیے. یہ ایک دن چلے گی, دوسرے دن ان کی قوم, ان کی امت کے لوگ, جانور وغیرہ چلیں گے. تو اب یہ لوگوں کو چبھنے لگا, انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا مشکل ہے, تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, اللہ کے نبی کی نافرمانی کی, اونٹ کے غنچے کاٹ دیے. غنچے کیا ہوتے ہیں؟ گھٹنوں کے اوپر, ٹخنوں کے اوپر, ٹخنوں کے اوپر سے نب ٹخنوں تک کاٹ دی.
ताकि ऊंटनी चल फिर ना सके, उसको काट भी दिए और उसको मार भी दिए। कौन कर रही है? सालेह अलैहिस्सलाम की उम्मा कौम कर रही। अब इसको जो है ना मौलाना नईम रहमतुल्लाह अलैह तफसीर नईमी में समझाते हैं कि इसकी मिसाल कैसी है कि जो सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी है वो हमारा जिस्म है। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी हमारा जिस्म है, सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम है हमारा नफ्स है। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम क्या है? हमारा नफ्स है। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी का जो बच्चा है हमारा दिल है। जो हमारी रूह है वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। मिसाल दे रहे रूह क्या है हमारी? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की मिसाल दे रहे। हमारा जिस्म क्या है? सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी की मिसाल है। सालेह हमारा जो दिल है, हमारा जो कल्ब है, सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी का बच्चा है। जो हमारा नफ्स है सालेह अलैहिस्सलाम की कौम है। तो हमने क्या किया? अब देखो हमने क्या किया। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी जिस्म की मिसाल ले लें, हमने आंखों से जिना किया, मतलब सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी की आंख काटे। समझने वाली बात, समझने के लिए मिसाल, उसके नसीहत हासिल करने वाली। कुरान में कोई वाकिया अल्लाह तआला ने ऐसी बयान नहीं किया, इंसानों के लिए नसीहत है उसमें, समझने वाले के ऊपर है। तो इसको कौन समझा रहे हैं? मौलाना नईम रहमतुल्लाह अलैह मसने तफसीर नईमी में समझा रहे हैं। अब अगर किसी बंदे ने ना कान से गुनाह किया तो मतलब सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी के कान काट दिए इसने। किसी बंदे ने हाथों से शैतान की फर्माबरदारी कर रहा है, नफ्स की फर्माबरदारी कर रहा है, दुनिया की फर्माबरदारी कर रहा है, तो क्या किया उसने? सालेह अलैहिस्सलाम के ऊंटनी के हाथ काट दिए। साल फिर पैर है। अब दिल को जिसने बर्बाद कर दिया, मुर्दा कर दिया। दिल को मुर्दा किसने किया? जिसने अपने दिल में कुफ्र रखा, शिर्क रखा, निफाक रखा, ये समझा कि दुनिया माबूद है, दुनिया हाजितों को पूरी करती है। तो ये क्या किया उसने? दिल को मार दिया, मतलब सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी के बच्चे को मार दिया उसने। ये मिसाल समझा। तो अब ये कौम के ऊपर क्या आ गया? बशारत हो गई, अजाब आएगा। अब उन्होंने पूछा कि अजाब से कुछ बचने का तरीका? बोले ऊंटनी का बच्चा है, अगर तुम उसको पकड़ लोगे, अगर तुम अल्लाह से माफी मांग लोगे, उसकी खदर कर लोगे, शायद अल्लाह माफ कर दे। अब ऊंटनी का बच्चा पहाड़ की तरफ भाग रहा है, पहाड़ की तरफ ये लोग भी सारे भागे ताकि उसको पकड़े, उसको जो है ना अल्लाह तआला से माफी तलब करें। अब इनकी नीयत क्या थी अल्लाह बता जाने। पहाड़ पे गए, ऊंटनी को अल्लाह तआला ने, ऊंटनी के बच्चे को अल्लाह तआला ने गायब कर दिया, अल्लाह तआला ने अपनी तरफ ले लिया उसको। अब इनके पास कोई ऑप्शन खत्म हो गया, अब बुरा अजाब का इंतजार, उनका अजाब आया। तो बात क्या है, ये मिसाल हमारे लिए कि ये जो जिस्म है अल्लाह की मिल्क है, हमारा नहीं है। कौन मालिक है? रिश्ता कायम हुआ रब से। रब से रिश्ता क्या कायम करे? अल्लाह मालिक है, मैं ममलूक हूं। मालिक कौन है इसका? अल्लाह ताला है। तो मालिक क्या करना है? मालिक हमारी हाजतों को पूरी करता है, हम क्या करेंगे? मालिक की फर्माबरदारी करते। अब मालिक की जो फर्माबरदारी नहीं कर रहा है तो उसने क्या किया? बगावत कर दिया। तो बगावत बागी को क्या करेगा? मिल्क से मालिक निकाल देगा या उसको सजा देगा। तो बात समझने की है। तो हम अपने जिस्म को किसके मंशा कहते इस्तेमाल करना चाहिए? अल्लाह के। मगर ये कब हो सकता है? जब ला इलाहा इल्लल्लाह को तस्दीक होगी तो ये जिस्म अल्लाह के हवाले कर देगा। जब ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्दीक नहीं होगी तो नफ्स के हवाले करेगा, और नफ्स क्या है? वो जो है ना कौम है, किसकी? सालेह अलैहिस्सलाम। आगे फरमाते शुरू से पढ़ लेते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स ऐसा है कि दुनियावी जिंदगी के बारे में उसकी बातें तुम्हें अच्छी मालूम होती है और वो अपने दिल की बातों पर अल्लाह को गवाह ठहराता है, हालांकि वो सख्त झगड़ालू है, और जब वो तुम्हारे पास से जाता है तो जमीन में दौड़ धूप करता है ताकि उसमें फसाद फैलाए और खेती को बर्बाद और इंसानों और हैवानों की नस्ल को नाबूद करे, और अल्लाह फितना फसाद को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे? मैं फितने फसाद को पसंद नहीं करता। और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से डर, तो वह गुरूर को गुनाह पर उकसाता है। अल्लाह से डरने के लिए कहा जाता है तो उसका जो गुरूर है गुनाहों पर उसको और उकसाता है, तो उसके लिए जहन्नम काफी है। अल्लाह ताला करें, ऐसे शख्स के लिए जहन्नम काफी है, और बेशक वह बुरा ठिकाना है। और अब यह पूरा मुनाफिक के बारे में आ गया, अब अल्लाह ताला मोमिन के बारे में बता रहे हैं। और एक शख्स ऐसा भी है कि अल्लाह की खुशनौदी हासिल करने के लिए अपनी जान तक बेच डालता है। एक शख्स ऐसा भी है जो अल्लाह की खुशनौदी हासिल करने के लिए अपनी जान तक बेच डालता है। अभी हमने सहाबी रसूल का वाकया सुना सर।
اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر صاف صاف احکام آنے کے بعد بھی تم لڑکھڑاؤ جاؤ تو یقین رکھو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، احکام صاف صاف آ جائیں، پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ جسم سے کلمہ پڑے ہیں تو دل سے بھی تصدیق کر لو، جو دل سے تصدیق ہو گئی ہے اس کو دیکھ لو کہ پورے پورے ہاتھ داخل ہونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے، جسم دیا ہے، قلب دیا ہے، روح دیا ہے۔ جسم کا کام کیا تھا، کلمے کے حد تک تصدیق کر اقرار کرنا تھا، دل کا کام کیا تھا، تصدیق کرنا۔ جو تصدیق ہونے کے بعد روح کا کام کیا ہے، جو تصدیق ہوئی ہے اسے دیکھ لینا۔ یہ پورا پورا اسلام میں داخل ہو جانا۔ ہم نے کیا کیا، ایک لے لیا جسم کا اقرار، دل کا کون کرنا، روح کا کام بھی ہے دیکھنا ہے، وہ کون کرنا، وہ ہمارا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کریں پورے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تھوڑا ٹیٹر تھوڑا بٹیر، تھوڑا بلیک تھوڑا وائٹ، یہ نہیں چاہیے، تھوڑا مسلمان تھوڑا منافق، تھوڑا مسلمان تھوڑا مشرک، تھوڑا مسلمان تھوڑا کافر، یہ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پورا مسلمان چاہیے۔ پورا مسلمان کیسا ہوگا، بندہ جسم سے، قلب سے اور روح سے پورا مسلمان ہوگا۔ صلی اللہ علیہ نبی اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ سورہ نساء آیت نمبر 116 سے 126 تک، 116 سے 126 تک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا، شرک کرے گا، یہ گناہ میں نہیں بخشے، یہ معافی والا ہی گناہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نہیں ہوگی جو مشرک ہوگا۔ شفاعت کس کو ہے، مومنین کو ہوگی، مشرکوں کے لیے شفاعت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بھی نہیں بخشیں گے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول سے بھی نو ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی نو ہے، بخشش ہی نہیں ہے اس کو۔ اور اس کے سوا دوسرے گناہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرے گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کرے میں جس کے لیے چاہوں گا بخش دوں گا، وہ میری مرضی ہے بھائی، کسی سے وعدہ نہیں ہے، میری مرضی ہے، جس کو چاہوں گا بخش دوں گا۔ اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا وہ سیدھے راستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک بنایا، وہ کیا ہوا، سیدھے راستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ دیکھو اگر یہ روشنی ہے تو اندھیرا نہیں ہوگا، اگر اندھیرا ہے تو روشنی نہیں ہوگا، یعنی روشنی اندھیرا دونوں ساتھ ساتھ ہے۔ ایک عجیب بات، سورج ہے باہر، سورج کی روشنی آ رہی ہے تو اجالا ہے، نظر آئے گا۔ اب اگر سورج بھی چل رہا ہے، پوری روشنی ہے، صاف ہے بادل، اور رات بھی ہے، یہ بات سمجھ نہیں ہے، مطلب روشنی اور اجالا اپوزٹ ہے، بلیک اور وائٹ اپوزٹ ہے، رات اور دن اپوزٹ ہے، یہ ایک جگہ نہیں ہو سکتے، یہ اپوزٹ میں آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے کوئی بندہ یہ کہے کہ جو ہے نا میں جو ہے نا ایمان والا ہوں اور ساتھ میں گناہ بھی کر رہے ہیں، کوئی بندہ یہ کہہ رہے کہ میں نے زبان سے تو اقرار کر لیا، دل سے تصدیق نہیں ہوا مگر پھر بھی ایمان والا ہوں، یہ جو باتیں ہیں نا، یہ باتیں اپوزٹ میں آتی ہیں کہ بندہ یا تو ایمان والا ہے یا تو کافر ہے، یا تو بندہ ایمان والا ہے یا تو مشرک ہے، یا تو بندہ ایمان والا ہے یا تو منافق ہے، اپوزیشن نہیں۔ اب بندہ یہ بولے میں تھوڑا ایمان والا بھی ہوں، تھوڑا کافر بھی ہوں، تھوڑا ایمان والا بھی ہوں، تھوڑا منافق بھی ہوں، تھوڑا ایمان والا بھی ہوں، تھوڑا مشرک بھی ہوں، یہ بات۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ فرماتے ہیں ایمان کے قدم ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو شیطانوں سے، دشمنوں سے، دنیا سے لڑتے وقت ثابت قدم رکھتے ہیں، اپنے دین سے ہٹتا نہیں بندہ۔ ایمان کے قدم کیا کرتے ہیں، بندے کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تیرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں اور ایمان کا دعویٰ بھی ہے، ایمان کے قدم ثابت قدم ہوتے ہیں، شیطان سے لڑتے وقت، دنیا سے لڑتے وقت، دشمنوں سے لڑتے وقت وہ لڑکھڑاتے نہیں ہیں۔ تو تیرے قدم لڑکھڑا بھی رہے ہیں اور ایمان کا دعویٰ بھی ہے۔ تو ایمان کے قدم اگر مضبوط ہو جائے تو بندہ جب دنیا میں ہوتا ہے تو دنیا کو دیکھ کر اس کے قدم لڑکھڑاتے نہیں، شیطان اگر مل جائے تو شیطان کو دیکھ کر اس کے قدم لڑکھڑاتے نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہے، بندہ اپنے دین پر قائم ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ مشرک اللہ کے سوا چند عورتوں کو ہی پکارتے ہیں اور در حقیقت یہ شیطان سرکش ہی کو پکارتے ہیں۔ بتوں کے نام، عورتوں کے نام بنا دیے تھے مشرکی مکہ، بنا کے عورتوں کے نام دے کے یہ کہتے دیویاں، کہتے تو دیویاں پکارتے تھے، تو لوگ کہتے
یہ مشرک پکارتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی نقل کر رہے ہیں. کیا نقل کر رہے ہیں؟ یہ مشرک اللہ کے سوا چند عورتوں ہی کو پکارتے ہیں اور در حقیقت یہ شیطان سرکش ہی کو پکارتے ہیں. یہ در حقیقت کس کو پکار رہے ہیں؟ شیطان کو پکار رہے ہیں. بات کیا ہے، وہ لوگ جو پکارتے تھے عورتوں کو دیویاں بنا کے، ان کا پکارنے کا مقصد کیا تھا کہ انہوں نے بت بنائے تھے کہ یہ پانی کا بت ہے، یہ پانی کا بت ہے. کیوں پکارتے تھے؟ انہوں نے اپنی ایک ایک حاجت کا ایک بت بنایا تھا، تو وہ تین بت بنا لیے، چار بت بنا لیے، 360 بت بنا لیے، اپنی ایک ایک حاجت کا بت بنا لیے، اور وہ حاجت کو اس بت سے پکارتے تھے. ایک پانی کی حاجت کا بت ہوتا، ایک کھانے کا ہوتا، ایک بچوں کا ہوتا، ایک جو ہے نا بیماری کا ہوتا، جو بھی ان کی حاجتیں تھے سارے بت بنا لیے، اور جو وہ چیز کی کمی ہوتی تو اس بت کے پاس جاتے، اپنی حاجتیں مانگتے اور اس کی عبادت کرتے. تو ہم نے کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ پڑھا، لا الہ الا اللہ کی برکت یہ ہوگی، سامنے سے بت ہٹ گیا، سامنے سے بت ہٹ گیا. اب مگر دل کا بت ہے، جیسا ان کے پاس بت تھے 360، ہمارے پاس 360,000 بت ہے دل میں، الگ الگ حاجت کے. پیسے کے لیے کون حاجت روا ہے ہمارے دل میں؟ نوکری. پیسے کے لیے اگر بزنس مان ہے تو اس کی دکان ہے، آٹو والا ہے تو آٹو ہے، لاری والا ہے تو لاری ہے. اسی طرح سے آج بھی دیکھ لو کافر میں، وہ مشرکوں کی جو بات تھی آج بھی ثابت ہے. آج بھی جو ہے نا، اگر کافر لاری والا ہے تو لاری کی پوجا کرے گا، لیمو دکھائے گا، اگربتی دکھائے گا، پیر پڑے گا، آگے جائے گا. یہ تو چلو، یہ تو لاری والا ہے نا، ان پڑھ ہے اس لیے ایسا کر رہا. پڑھے لکھے کے پاس آ جاؤ، کرکٹر ہے، پڑھا لکھا ہے. کرکٹر جب آتا ہے پچ کو پہلے میری ماں، یہ بھگوان ہے، بال بال کو، آنکھوں کو، منہ کو لگائے گا، یہ بھگوان ہے، بال ان کا بھگوان ہے، بیٹ بھگوان ہے. کیوں؟ یہ بال میں اچھا ڈالوں گا، یہ بھگوان اس کی گلی اڑائے گا، بھگوان ہے اس کا. تو ہمارے پاس کیا؟ ابھی بھی کافر کے پاس ہر حاجت کا ایک معبود ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ سامنے نہیں ہے، ہم سامنے اس کو پیار نہیں کریں گے، آنکھوں کو نہیں لگائیں گے، مگر دل میں ان بھی ہے. جیسا اس کا عقیدہ ہے ویسا اپنا عقیدہ ہے. تو کیا ہوا؟ زبان سے اقرار کرے سامنے سے ہٹ گیا، دل سے تصدیق کریں گے تو دل سے بھی نکل جائے گا. کلمے کی برکت ہے، زبان سے اقرار کرنے کا اتنا فائدہ ہوا، سامنے سے بت ہٹ گیا، جب دل سے تصدیق کر لیں گے تو دل کا بت بھی ہٹ جائے گا. تو دل میں اترنا ہو بات، جو زبان پہ ہے وہ دل میں اترنا ہے. صلو علی نبی اللہ علیہ وسلم. جس پر اللہ کی لعنت ہے، تو شیطان کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کریں شیطان پر اللہ کی لعنت ہے. اس نے اللہ سے یوں کہا تھا کہ تیرے بندوں سے ضرور ایک مقررہ حصہ لوں گا. اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا، ضرور مقررہ حصہ لوں گا، اور میں ان کو ضرور بہکاؤں گا اور انہیں باطل آرزوؤں میں مبتلا کر رکھوں گا. باطل آرزوؤں میں، جو کہ کبھی پوری نہیں ہوگی، شیطان کے وعدے جھوٹے وعدے، باطل آرزوؤں میں مبتلا کرے گا، اور انہیں حکم دوں گا کہ جو جانوروں کے کان چیرے، اور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدل ڈالے، اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنائے گا اور اس کی پیروی کرے گا وہ یقیناً کھلی تباہی میں پڑے گا. اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے گا، اس کی پیروی کرے گا، تو کدھر ہے وہ؟ کھلی گمراہی میں. تو شیطان کے پیچھے کیوں گیا؟ دل میں تصدیق دنیا کی تھی تو شیطان کے پیچھے گیا. جب دل میں تصدیق رب کی ہو جائے گی کہ اللہ میرا حاجت روا ہے، تو دین کے ساتھ چلے گا. تو تصدیق کا مسئلہ ہے. تو ابھی ہماری حرکت جو ہل رہی ہے، ہم جو ادھر جا رہے ہیں، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوا. تو کیا ہے؟ بادم کا چھلکا بھی نہیں آیا، ابھی چھلکے کے چھلکے پہ ہے ہم. زبان سے اقرار کر لیے، اب بادم کا چھلکا آنا، پھر بادم کا مغز آنا، یہ دو چیزیں آنا ہے. ابھی ہم بادام کے چھلکے کے اوپر پریکٹس کر رہے ہیں کہ تصدیق تو ہو جائے. تصدیق ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ مشاہدہ ہوگا، اس کو دیکھیں. وہ ان سے وعدہ کرتا ہے اور ان کو باطل آرزوؤں میں پھنساتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ وعدہ کرتا ہے، تو کسی بھی صورت سے آئے گا وہ، نوکری کی صورت سے، بزنس کی صورت سے، آج کی سوسائٹی کی صورت سے، کوئی صورتوں سے آئے گا. وعدہ جو بھی وعدہ کرے گا کیا ہوگا؟ وہ جھوٹا وعدہ ہوگا. اور شیطان ان سے جو کچھ بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکا ہی دھوکا ہے. جھوٹے وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے، دھوکا ہی دھوکا ہے. ارے یار، یہ دین پہ بہت مشکل ہے. دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ الدین یسر، دین آسان ہے، ان بول رہا دین مشکل ہے. تو دین مشکل ہے بول کے جس کی صورت میں آیا وہ کون تھا؟ شیطان تھا. تو جھوٹے وعدے، جھوٹے باتیں. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے. جو اس کی باتیں سن کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ دوزخی ہے.
और वो उससे निकलकर भागने की कोई जगह ना पाएंगे। अल्लाह ताला करें शैतान के नक्शे कदम पे चल रहा है, उसी के साथ उसका ठिकाना होगा और उसको निकल के जाने की, भागने की कोई इजाजत नहीं होगी, जगह नहीं मिली। क्यों? शिर्क है, कुफ्र है, निफाक है, हमेशा हमेशा की जहन्नम। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, अब देखें पहले क्या है, ईमान लाना। ईमान खाली जबान से नहीं है, जबान से इकरार करना है, दिल से तस्दीक करना है, और जो तस्दीक हो गई उसका क्या करना है, मुशाहदा करना है। तो जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उन्हें हम बहशत के ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होगी और वो उनमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है और अल्लाह से बढ़कर बात का सच्चा कौन हो सकता है। अल्लाह ताला करें ये सच्चा वादा है और मुझसे बढ़कर सच्चा कौन हो सकता है। मुसलमानों, नजात और सआदत ना तो तुम्हारी आरजुओं पर मौकूफ है और ना अहले किताब की आरजुओं पर। अल्लाह ताला करें नजात और सआदत खाली आरजुओं करने पर नहीं है। अरे आरजू कर ली के जन्नत पे चला जाऊंगा, जैसा तुम्हारी आरजुओं पे भी नहीं है, अहले किताब की आरजुओं पर भी नहीं है। आरजुओं पर नजात नहीं है, किस पर नजात है, बल्कि ईमान और अमल साले पर मौकूफ है। जो ईमान लाया, जो अमल साले करा, उसको नजात पाए। खाली आरजू कर लेंगे देख लेंगे। वो बात ऐसी है, जिम शुरू करता हूँ, रनिंग करता हूँ मैं, खाते जा रहे करता हूँ मैं, आरजू भी छे तो आरजू में क्या स्लिम हो जाते, वेट लॉस हो जाता और बीमारी में मुब्तला होता। आरजू से क्या वेट लॉस होता? कोई भी अगर बोले मैं आरजू कर रहा हूँ भाई मोटा, मोटे का मोटा होते जा रहा हूँ, आरजू कर रहे हैं, जा रहे हैं भागने, नहीं भाई आरजू है भागूंगा रोज सुबह उठ के चार राउंड लगाऊंगा, हंसते आप। ये दीन दुनिया में इतनी होशियारी, बेखूफे बोलते हैं उसको, दीन में भी ऐसी कर रहे हैं, शैतान के पीछे भाग रहे हैं और आरजू क्या कर रहे हैं, जन्नत में चला जाऊंगा, कैसा भी बख्शिश हो जाएगी, शिफात भी हो जाएगी। आरजू से क्या होगा, अल्लाह ताला बोल रहे हैं आरजू से नहीं होता। मुसलमान तेरा भी आरजू से नहीं होगा, अहले किताब तेरा भी आरजू से नहीं होगा। दुनिया में प्रैक्टिकल देख रहे हैं, दीन में भी वही बात है। तो दीन में क्या है, ईमान और अमले सालेह। जो कोई बुरा काम करेगा उसको सजा पाएगा और फिर अल्लाह के सिवा ना तो उसे कोई दोस्त मिलेगा और ना मददगार। जो बुरा काम करेगा सजा पाएगा, अल्लाह के सिवा कोई ना दोस्त है ना मददगार। और जो कोई नेक काम करेगा, ख्वाह मर्द हो या औरत, वो साहेब ईमान भी हो। नेक काम करने वाले कौन हो, साहेब ईमान भी हो। नेक काम करने के वाले कौन हो, साहेब ईमान भी हो। मतलब क्या आ रही है, नेक काम ईमान वाले का भी कबूल होगा, नेक काम सिर्फ ईमान वाले का ही कबूल होगा, नेक काम काफिर का उसको दुनिया में जजा दी जाएगी। नेक काम जो मुशरिक करते हैं उन्हें दुनिया में ही जजा दी जाती है, मगर जो कबूल होता है अल्लाह की बारगाह में वो काम किसका है, ईमान वाले का, नेक काम। ऐसे ही लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर तिल बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला के तिल बराबर, तिल कितनी छोटी है, तिल बराबर भी उनको धक्का नहीं लगाएंगे। बोलते नहीं तुम मेरे बाल बराबर भी कोई छेड़ा था मेरे को बताओ, मतलब जब ये हम यहाँ दुनिया में, अल्लाह ताला करें तिल बराबर भी कोई तुम पे जुल्म नहीं होगा, मगर शर्त क्या है, ईमान और अमले सालेह। और बताओ उस शख्स से बेहतर किसका दीन हो सकता है जिसने अल्लाह के आगे सर तस्लीम कर लिया। अल्लाह ताला करें उस शख्स से बेहतर किसका दीन हो सकता है जिसने अल्लाह के सामने झुका लिया। तो सर क्या है, जिस्म का भी सर है, दिल का भी सर है। तो दिल भी अल्लाह के सामने झुकना और अपना जिस्म का सर भी अल्लाह, सजदे में नमाज के लिए गए तो नमाज में अपना सर जिस्म का झुका है तो दिल भी सुभान रब्बियल आला कहना। तो ये कह रहे उस शख्स से बेहतर किसका दिन हो सकता है, तो जिसका दिल भी झुक रहा हो और जिसका जिस्म का सर भी झुक रहा हो, वो नेकोकार भी हो और इब्राहिम के दीन का पैरो हो जो सिर्फ अल्लाह के हो रहे थे। दीन इस्लाम क्या है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन, तो उसके दीन के पैरो हो जो अल्लाह की हो रहे हैं। ये हकीकत है, अल्लाह ने इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया था। और याद रखो आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है और हर चीज का याता अल्लाह किए हुए। आसमान और जमीन में सब किसका है, अल्लाह का। तो हम आसमान जमीन के बाहर है, अंदर है, तो हम भी अल्लाह के, तो सब अल्लाह का है, तो हम किसके, जिसका है उसके हवाले हो जाना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं इहाता किया हुआ हूं। अल्लाह में देख रहे हैं कि अब क्या बंदा करता, तस्दीक करने के ऊपर। देखिए तस्दीक करना हमारी जिम्मेदारी, कलीमे को इकरार करके तस्दीक करना और उसको देखना हमारी जिम्मेदारी।
जब हम ये काम कर लेंगे तो भी अल्लाह ताला क्या करेंगे, जब बंदा ये काम कर लेगा तो अल्लाह ताला उसको दीन में आसानी अता करेगा, उसका दिल इस्लाम के लिए खोल देंगे, उसको नेकी में आसानी हो जाएगी। मैं को नमाज की तौफीक नहीं हो रही, नमाज की तौफीक होगी जब बंदा कलीमे को तस्दीक कर लेगा, मुशाहदा कर लेगा, नमाज की क्या हर नेक काम की तौफीक होगी उसको। तो तौफीक करने के तौफीक दो, तौफीक ये करो, ये काम अल्लाह ताला ने हमारे जिम्मे डाला है, ईमान लाना। क्यों? हिदायत आ गई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मौजूद है, कुरान हमारे सामने, हदीस हमारे सामने, औलिया अल्लाह हमारे साथ है, तो हर चीज अल्लाह ताला ने खोल के बता दी है कि ये गलत है और ये सही है, तो इसको तस्दीक कर लेगा। तस्दीक करना क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इसको तस्दीक में आज मुसलमान इसके पीछे, इसको छोड़ दी। इस्लाम की बुनियाद कितनी है? पांच, कलीमा, नमाज, रोजा, जक़ात, हज। हम कहां से शुरू होते हैं? नमाज, हम शुरू नमाज से होते हैं। इस्लाम की बुनियाद किसी से पूछ लो कितने हैं? पांच बोलेगा, कलीमा, नमाज, रोजा, जकात, हज। शुरू कहां से होते हैं? नमाज। अरे अरे फिर से पूछो, वो फिर वही बोलेगा, मगर शुरू कहां से होगा? नमाज से। तो बात क्या है? ऊपर वाला छोड़ दिए। अच्छा, वो कह के लिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस इतना तर्जुमा कर देगा, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, तर्जुमा कर दे। तो ये क्या हो गया? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह क्या बोले? सिर्फ इकरार करना क्या बोले? मुनाफिक का कलीमा है सिर्फ का, मगर इकरार छोड़ना नहीं है। ये इकरार क्या है? छिलके का छिलका है, इसके बगैर मक्स बेकार है। जो पढ़ता नहीं तो मक्स को खराब कर रहा है। तो पढ़ना भी जरूरी है, पढ़ के आगे बढ़ना था, पढ़ के वहीं रुक गया। सल्लु अला नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना। जल्दी आगे बढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह अनाम आयत नंबर 116। और आए पैगंबर, अगर तुम दुनिया के अक्सर लोगों के कहने पर चलोगे तो वह तुमको अल्लाह के रास्ते से बहका देंगे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें हुक्म हो रहा है, अगर दुनिया वालों के कहने पर चलोगे तो क्या करेंगे? हमें जो सही रास्ता है उससे बहका देंगे, हमारे लिए हुक्म है। तो महज बेअसल ख्यालात पर वो जो लोग हैं वो कैसे हैं? बेअसल ख्यालात पर चलते हैं और बाकी अटकल की बातें करते हैं। ये दुनिया वाले लोग क्या है? ख्यालात की बातें करते हैं और अटकल है, अपने अपने अटकलां करते हैं, अपने अपने तजुर्बे करते हैं, अटकल पे चलते हैं, ख्यालात पे चलते हैं। तो उनके रास्ते पे चलोगे तो क्या होगा? हिदायत से दूर हो जाओगे। सल्लू अला नबी सूरह रूम आयत नंबर 7। ये तो दुनिया का जाहिर जिंदगी को जानते हैं, ये जो लोग हैं ये तो दुनिया की जाहिरी जिंदगी को जानते हैं और आखिरत की तरफ से गाफिल है। दुनिया को जानने वाले ज्यादा मिल जाएंगे आपको, आखिरत की जिंदगी के गाफिल है। तो आखिरत की जिंदगी को जो जानने वाला है वो कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जो तस्दीक कर लिया और जो मुशाहदा कर लिया आखिरत की जिंदगी, उससे क्या होगा? उससे कोई तब्दीली नहीं आई। जो कलीमा पढ़ लिया जिंदगी वैसी गुजरेगी, मगर गुलामी किसकी करेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माबूद किसको मानेगा? अल्लाह ताला को माबूद मानेगा, शैतान को और दुनिया को माबूद नहीं मानेगा। शैतान के नक्शे कदम पर नहीं चलेगा, किसके कदम पर चलेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाली तब्दीली, बीवी रखेगा, बीवी का हक अदा करेगा, माँ बाप होंगे माँ बाप की फरमाबरदारी करेगा, औलाद का हक अदा करेगा। अब बोल रहे हैं माँ बाप हमारा बच्चा नाफरमान निकला, कलीमा सिखाए, खुद भी नहीं सीखे, उसको भी नहीं सिखाए, बीवी बीवी के खिलाफ है, जो है ना मेरी नाफरमानी करती है, हंगामा मचा के रखा है। अरे ठीक है, माँ बाप ने सिखाए, 18 साल में शादी हुई, 18 साल में तो उसको अकल आती, बच्ची को अकल आते शादी कर दिए, अब तेरे पास बालिग बच्ची को दिए, तूने क्या किया उसके साथ? दिखाया उसको, खुद सीखेगा तो उसको सिखाएगा गरीब को। बचपन देखिए, बच्चे बड़े होते हैं, 18 साल में तो शऊर आता बच्चों को, 18 साल में शऊर आया, शादी कर दिए, अब माँ बाप पे रो रहा है ससुराल वालों पे, देखो क्या तरबियत दिए। अरे छोड़, उन्होंने नहीं दिए तरबियत, तू क्या सिखाया? फाइनल प्रोडक्ट दिए ना इसको, बालिग बच्ची दिए, समझदार जहीन, क्या सिखाया? कोई कलीमा सिखाया? खुद सिखा तो सिखाएगा ना, जब सिखाएगा तो तेरी फरमाबरदारी करने लगेगी, क्योंकि अल्लाह का हुक्म होगा। सल्लु अला नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद। ये आयत करके क्लोज करते हैं, इजाजत है ना? सल्लु अला नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद। सूरह यासीन आयत नंबर 77-83 तक। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको नुतफे से पैदा किया? अल्लाह ताला अपनी असल की तरफ बता रहे हैं। हर प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है कंट्री ऑफ ओरिजिन से देखते हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है इसका?
कंट्री ऑफ ओरिजिन से उसकी वैल्यू डिफाइन होती है। मेड इन जर्मनी है, मेड इन चाइना है, मेड इन थाईलैंड है, मेड इन इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, व्हाटएवर व्हाटसोएवर। तो क्या करते हैं, मेड इन क्या है, तो अपने अंदर बड़ा गुरूर है, तकबूर है, तो अपन मेड इन क्या है देखो, तो अल्लाह तआला बोल रही नुतफे से पैदा हुआ, मेड इन पेशाब है, मेड इन पेशाब। अब मेड इन पेशाब में इतना तकबूर कहां से आ गया, अल्लाह तआला असलियत की तरफ लेके आ रहे। तो कह रहे क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको नुतफे से पैदा किया तो वो बड़ा होकर अलाइन या झगड़ालू बन गया। नुतफे से पैदा हुआ और बड़ा होकर झगड़े कर रहे, और हमारी शान में मिसालें बयान करने लगा, अपनी पैदाइश को भूल गया, हमारी शान में गलत बातें करने लगा, और हमारी जो है ना हमारे शान में गलत बातें, अपनी पैदाइश को भूल गया, कहां से आया था, गंदी नाली का कीड़ा, और हमारी शान में बातें कर रहा है। अल्लाह ताला उसको बयान कर रहा कि जब हड्डियां, क्या बोलता है इंसान, अब अल्लाह नखर करें कि जब हड्डियां बोसीदा हो जाएगी तो उनको कौन जिंदा करेगा। अब बोल रहा जब हड्डियां बोसीदा हो जाएगी, मर जाएंगे, दफन हो जाएंगे, कौन जिंदा करेगा। आज मुसलमान का ईमान भी काफिर के ईमान की तरह हो गया, अल्लाह माफ करे। मुसलमान का ईमान ये है कि मरना, मरना मतलब इंतकाल हो जाना, लाइफ खत्म नहीं है, दूसरी लाइफ शुरू हो रही है। काफिर ये समझता है कि उसकी जिंदगी खत्म, मर गया आगे कुछ नहीं होना है, इसलिए जला दो ताकि कुछ भी ना हो उसको। मुसलमान मरता नहीं है, इंतकाल का मतलब मुंतकिल हो गया है, नई जिंदगी शुरू हो गई है। हाँ, जिस्म छोड़ दिए, यहां पर रहने के लिए जिस्म था, वहां की जिंदगी के लिए इसकी जरूरत नहीं है, आगे की जिंदगी शुरू होगी। अगर जिंदगी नहीं होती तो सवाब कहां से होता, अजाब कहां से होता। तो ये जिंदगी, तो अब ये कह रहा है कि मरने के बाद हड्डियां सल जाती, गल जाती, अब अजाब कैसा होगा, अल्लाह ताला जिंदा कैसा करेंगे, ये सवाल कर रहा है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि उनको वो जिंदा करेगा जिसने उनको पहली बार पैदा किया था। अल्लाह ताला करे, मैं वो हूं जो पहले पैदा करा था, जब तुझे पानी से पेशाब के खतरे से पैदा करा, अब तो तेरी हड्डियां तो है, हड्डियों से पैदा करने में क्या मुश्किल है, तो वो हूं जो पहले पैदा किया था, और वो सब तरह का पैदा करना जानता है। अल्लाह ताला करे, हर तरह का पैदा करना मुझे मालूम है, मैं वो हूं। वो ऐसा खादिर है जो हरे दरख से तुम्हारे लिए आग पैदा करता है। अल्लाह ताला मिसाल दे रहे, मैं ऐसा खादिर हूं, हरा दरख्त है मगर तुम्हें जलाने के लिए काम में भी आ जाता है, सूख के जब जलाने के लिए काम में भी आता है। हरे दरख से आग बनाने वाला हूं मैं, हरा दरख्त क्या है, जिंदगी है, मगर उससे भी जो है ना आग पैदा करता है, फिर तुम उससे आग सुलगाते हो। भला जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, क्या उस बात पर खादिर नहीं कि तुम जैसे आदमियों को दोबारा पैदा करें, क्यों नहीं। अल्लाह ताला करें, जिसने जमीन आसमान को पैदा किया, सारी चीजें पैदा किया, तुम्हारे जैसे लोगों को दोबारा पैदा कर दे, क्या इतना भी खुदरत नहीं रखता मैं, कैसी बात है। अल्लाह ताला करें, कितनी खुदरत नहीं रखता। तो वो बड़ा पैदा करने वाला और खूब जानने वाला है। उसकी शान यह है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो उससे फरमा देता है हो जा, बस वो हो जाती है। अल्लाह ताला कह रहे, मैं ऐसा हूं, जब मैं किसी चीज का इरादा करता हूं तो बस कहता हूं हो जा, बस हो जाती है। बस पाक है जिसके हाथ में हर चीज की हुकूमत है, वो उसी, तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अल्लाह ताला कह रहा है, मैं पाक हूं, हर नाकाम करने से पाक हूं, हर कमी से पाक हूं, मैं सुभान हूं, और तुम मेरी तरफ लौट के आने वाले। तो बात क्या है, और रब की तरफ लौट के जाना है तो रिश्ते को सही करके जाना है। तो बात शुरू कहां थी, हुई थी रिश्ता रब से कायम। रिश्ता रब से कायम होने की चीज क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद, ये शर्त है। क्या शर्त है, जबान से करार करना, दिल से तस्दीक करना। तो हम कहां पर वीक हैं, हमारा जो वीक पॉइंट है दिल से तस्दीक का वीक पॉइंट। अब उसकी दलील क्या है, हम कैसा पढ़ रहे हैं, नौकरी से पढ़ रहे, रब कैसा पढ़ रहा नहीं नजर आ रहा। कलीमे में ईमान क्या दिया गया, अल्लाह सारी हाजितों को पूरा कर रहा है, और क्या ईमान लिया गया, अल्लाह की रुबूबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जारी है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारी अल्लाह की उलूहियत कौन पहुंचा रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे कैसा पहुंचा रहे, अंधा है, अंधा इसलिए दिल की आंख इसकी जो ना अंधी, अब अंधा है तो इसको ब्लैक नजर आ रहा है, अरे अल्लाह कैसा पालता, नबी करीम को कैसा देते, अल्लाह ताला ईमान नहीं ले रहे,
अल्लाह ताला ईमान ही नहीं ले रहे। अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह ना पढ़े, वो मुसलमान ही नहीं है। यहूद और नसारा, यहूद और नसारा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं मानते थे, तो काफिर रहे। तो पूरा कलीमा पढ़ना है कि अल्लाह ताला हाजतों को पूरी करता है। जितनी हाजतें पूरी हो रही है किसके जरिए से हो रही है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कलीमा है। तो देखें, दुनिया की नेमत की कदर करना, नेमत की जो बंदा कदर करता है तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, नेमतों में इजाफा करता है। तो कदर, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे पास भेजा, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर कर लेगा, तो कदर करेगा, तो अल्लाह ताला उसे ईमान अता फरमाएंगे, इरफान अता फरमाएंगे, तखवा अता फरमाएंगे, दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाएंगे। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर नहीं करेगा तो उसको कुफ्र मिलेगा, शिर्क मिलेगा, निफाक मिलेगा, दोनों जहां में नुकसान होगा, उसके दिल पे मोहर लगा दी जाएगी। इसी के साथ ही अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ जो कुछ भी कहा गया है सुना गया, अमल की तौफीक अता फरमाए, कहने वाले को अमल की तौफीक अता फरमाए, सुनने वाले को तौफीक मिला, हर दो के अमल में इखलास अता फरमा मिला और उसे कबूल फरमा ले मिला, इसमें जो गलतियों से माफ़ फरमा दे मिला, रब्बे कदीम मिला हमारे रिश्ते को मिला जो रब के साथ है, तेरे साथ है मिला, नबी करीम सल्लम के साथ मिला, उसको खबी फरमा दे, जैसा रिश्ता रखने का हक ऐसा रिश्ता रखने वाला बना दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तस्दीक करने वाला बना दे, रब्बे कदीम उसका मुशाहदा करने वाला बना दे, रब्बे कदीम हमारी हाजिरी को कबूल फरमा ले मिला, वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इन्ना अल्लाहा मलाइकातुहु युसल्लून अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين